Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So, we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journey in Social Studies, Class 1. Aaj hum chapter number 13 start karenge aur hamare chapter ka naam hai The Sky. Sky matlab aasman. अब हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हम आसमान में देखते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सम एंड सब्सटेंस। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स तारों के बारे में, और हम पढ़ेंगे क्लाउड्स मतलब बादलों के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट यू विल डू वन एक्टिविटी। You must have seen a rainbow in the sky. आप सब ने आसमान में इंद्रधनुष को देखा होगा। बारिश के बाद आता है रेनबो। Complete this rainbow by filling the right colors. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। तो आपको सही कलर्स चुनकर क्या करना है? इसमें कलर करने हैं। जो कलर सबसे पहले आता है उसको लिख करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह से ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। द स्काई इज ब्राइट इन द डे एंड डार्क इन नाइट। वी सी मैनी थिंग्स इन द स्काई। दिन के समय आसमान चमकता है और रात के समय क्या होता है? डार्क मतलब अंधेरा होता है। द सन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में। सन क्या है? We see the sun during the day. The sun looks like a yellow hot ball of fire. सूरज हम दिन के समय में देखते हैं और वो कैसा होता है? एक बड़ा आग का गोले की तरह दिखता है। सूरज क्या है? येल्लो, पीले रंग की एक बहुत बड़ी आग की गेंद है। It is very big. वो बहुत बड़ी होती है। It shines brightly during the day. दिन के समय वो बहुत चमकता है। कौन? सूरज। It gives us heat and light. सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है। All plants, human beings and animals need sunlight to live. पेड़ पौधे, मानव, जानवर, इन सबको जीने के लिए क्या चाहिए? सूर्य की रोशनी चाहिए। हमें भी, पौधों को भी। पौधों को क्यों चाहिए? सनलाइट की हेल्प से पौधे खाना बनाते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मून। अब हम चांद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? चंदा मामा। द मून लुक्स लाइक अ सिल्वर बॉल इन द स्काई। मून कैसा लगता है? जैसे एक सिल्वर बॉल है। कहाँ पर? आसमान में। We see it in the night sky. रात के समय हम क्या देखते हैं आसमान में? चंदा मामा को। The moon looks a little different day to day. It changes its appearance with the time. रोज हम मून को, चांद का आकार अलग अलग होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो रोज आप अलग अलग आकार देखते हैं किसके? चांद के। These changes are called the faces of the moon. और जो ये आकार बदलते हैं किसके? चांद के। उसे हम कहते हैं faces of the moon. The stars. Stars मतलब तारे, चमचमाते तारे। अब हम पढ़ेंगे तारों के बारे में। At night we also see lots of stars. रात के समय आसमान में हम क्या देखते हैं? बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे। द स्टार शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। तारे आसमान में बहुत तेज रोशनी से चमकते हैं। देखिए कैसे चमक रहे हैं तारे। कब देखते हैं आप? रात के समय आसमान में। द स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज बट दे लुक टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तारे होते तो बहुत बड़े हैं आकार में, लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखते हैं।
अब हम पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स किसे कहते हैं? बादलों को। क्लाउड्स लुक लाइक द बिग बॉल ऑफ कॉटन इन द स्काई। बादल ऐसा लगता है जैसे आसमान में क्या है, बहुत बड़ी बॉल है। किसकी? कॉटन की, क्योंकि कॉटन भी वाइट होती है और क्लाउड्स भी वाइट होते हैं। समटाइम्स दे लुक वाइट, समटाइम्स दे लुक ग्रे व्हेन इट इज अबाउट टू रेन। कभी कभी बादल सफ़ेद दिखते हैं और कभी कभी ग्रे, सलेटी रंग के। सलेटी रंग के तब दिखते हैं जब बारिश आने वाली होती है। नाउ इंटरप्रिटेशन, द सन इज ऑल्सो अ स्टार। आपको पता है सूर्य भी क्या है? एक स्टार, एक तारा है। नाउ लुक ओवर, द स्काई इज ब्राइट इन द डे, द स्काई इज डार्क एट द नाइट। रात के समय स्काई, आसमान काला होता है और दिन के समय चमकता है। प्लांट, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड सनलाइट। पेड़ पौधे, जानवर और मानव को क्या चाहिए? सूर्य की रोशनी चाहिए। क्लाउड्स लुक लाइक द बिग बॉल ऑफ कॉटन इन द स्काई। क्लाउड्स, बादल कैसे लगते हैं? जैसे आसमान में कॉटन का बहुत बड़ी बॉल हो। नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर। सबसे पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनिए। सबसे पहला है द मून लुक्स लाइक अ डैश इन द स्काई। मून कैसा लगता है स्काई में? जैसे क्या हो? अ सिल्वर बॉल, रेड बॉल, येलो बॉल या नन ऑफ दी। तो मून लगती है जैसे सिल्वर बॉल हो। नंबर टू, द स्काई इज ब्राइट इन द। आसमान कब ब्राइट होता है, किस समय? डे, नाइट, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो आसमान चमकता है दिन के समय, डे टाइम में। नंबर थ्री, द स्टार्स डैश ब्राइटली इन द स्काई। तारे आसमान में ब्राइटली चमकते हैं, कैसे? ट्विंकल, हाइड, शाइन या डिसअपीयर। ट्विंकल, टिमटिमाते हैं। नंबर फोर, द सन इज लाइक अ बिग बॉल ऑफ। सूरज बड़ी गेंद लगती है, किसकी? फायर, रबर, स्नो या कॉटन। तो सूर्य बड़ी बॉल लगती है किसकी? आग की, फायर की। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स की मदद से खाली स्थानों को भरिए। द स्काई इज ब्राइट इन द डैश एंड डार्क एट। आसमान चमकता है किस समय और किस समय डार्क, काला, अंधेरा होता है? तो स्काई ब्राइट इन द डे, दिन के समय, और डार्क होता है नाइट के समय, रात के समय। नंबर टू, द सन गिव्स अस डैश एंड डैश। सूर्य हमें देता है, क्या देता है? हीट, हीट मतलब गर्माई देता है, और लाइट, लाइट मतलब रोशनी देता है। दिन के समय सूरज चमकता है। डैश लुक्स ग्रे व्हेन इट इज अबाउट टू रेन। कौन सलेटी रंग का लगता है जब बारिश आने वाली हो? तो वो लगते हैं क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स। नंबर फोर, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द डैश टू लिव। सभी पेड़ पौधों और जानवरों को जीने के लिए चाहिए, क्या चाहिए? सनलाइट, SUN, सन, LIGHT, लाइट, सनलाइट। नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है जो वाक्य दिए हुए हैं वो सही है या गलत। अगर वो सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे। नंबर वन, सबसे पहला है द सन इज वेरी स्मॉल। सूर्य बहुत छोटा है, ये गलत है। सन क्या है? बहुत बिग, बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नंबर टू, द मून चेंजेस इट्स अपीयरेंस विद टाइम। चांद अपना आकार बदलता है टाइम टू टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नाउ नंबर थ्री,
clouds look white when it is about to rain. जब बारिश होने वाली हो तो बादल सफ़ेद होते हैं. No, this is wrong. वो ग्रे कलर के हो जाते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स. नंबर 4, द स्काई इज डार्क एट नाइट. रात के समय आसमान काला होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू. सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट सन, मून, स्टार्स एंड क्लाउड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.